दुबई और अबू धाबी में एक कंपनी है जहाँ पे स्टाफ की हायरिंग हो रही है। वैकेंसीज मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेल्स और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पैकिंग वर्क, रिटेल जॉब है बेसिकली। और जितने भी लोग ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं, जॉब हंटिंग कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते थे इस बात से रिलेटेड कि जो पैकिंग जॉब्स होती हैं, मतलब जितना भी इन्वेंट्री होती है जो स्टोर्स में होती है ना, उसकी जॉब कोई बता दें। तो आज ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल है। इसमें तालीम की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। और सेकंड जो सेल्स है वो ऑटो सेल्स है। ऑटो सेल्स बता दूँ, जितनी भी गाड़ियों की सेल्स होती है ना, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तो उसकी सेल्स को ऑटो सेल्स कहते हैं और यहाँ पर उसी की जॉब वैकेंसी है। इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, एंड इफ़ यू गेट सेलेक्टेड तो आपका जो वीज़ा वगैरह है, अकोमोडेशन, दे विल पे फॉर दैट। बट आई होप कि लास्ट डे जो मैंने अनमतारा होटल वाली वीडियो बनाई थी, आपने उस पर अप्लाई कर दिया हो, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त होटल चेन है और वो लोग एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप अप्लाई करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और ये फेस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं डेली जॉब अपडेट्स पर वीडियोज़ बनाती हूँ, ऐसी जॉब्स जो कि आपको 1-2 लाख से ऊपर का पे स्केल ऑफर करते हैं। एंड कोई भी सवाल हो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं उसका जवाब दूँगी आपको। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। ओके, सो कंपनी का नाम है शारजा इस्लामिक बैंक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यही वो कंपनी है जहाँ पे ये 2 सेल्स की जॉब मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में दिखा दूँ। ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है। एज़ पर UAE लॉ इनके बेनिफिट्स हैं और ये 8 सितंबर को इन्होंने पोस्ट की है जॉब। ठीक है, दूसरा इसमें एजुकेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कोई डिप्लोमा है तो आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं जिसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एनुअल पेड लीव्स, हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी विदाउट टैक्स एंड कंपनी डाइवर्स ऑप्शंस, अकोमोडेशन ऑफ हाउसिंग अलाउंस, मतलब रहने वगैरह का जो भी आपका खर्चा होगा वो कंपनी देगी। अब यहाँ पे 2 जॉब टाइटल्स लिखे हुए हैं, एक है सेल्स ऑफिसर और दूसरा है सीनियर सेल्स ऑफिसर। फर्स्ट है पर्सनल फाइनेंस एंड ऑटो फाइनेंस और सेकंड भी यही है। अब यहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ की डिटेल लिखी हुई है, ये मैं आपको बता दें। ओके, सो वॉक इन इंटरव्यू की डेट एंड टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। 15 सितंबर 2023 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का इनका है, लाइक 2 PM to 5 PM तक की इनकी वॉक इन इंटरव्यू की टाइमिंग है। लोकेशन है शारजा इस्लामिक बैंक, पोर्ट सईद ब्रांच, फर्स्ट फ्लोर, सेल्स डिपार्टमेंट, पोर्ट सईद, बिसाइड डेरा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, डेरा में ये लोकेटेड है। रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। अब जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है रिलेटेड फील्ड का, उनका जो भी लाइक एक्सपीरियंस है वो उसको मैनिपुलेट करके जो कस्टमर सर्विस का मैं आपको बताती हूँ ना, सेल्स में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिंग एक्सपीरियंस होता है वो कस्टमर सपोर्ट का होता है। और कस्टमर सपोर्ट एक ऐसी जॉब है, लाइक अगर किसी ने टीचिंग भी की हुई है ना, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट करके कस्टमर सपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली लोगों से डील कर रहे होते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट से डील कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से डील कर रहे होते हैं। यह मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो अगर आप किसी जॉब पे ऐसा देखा करें ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली वैसा लगा के CV में अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड की CV बनाई हुई है और हमें अप्लाई करना है अब दूसरे डोमेन में, फॉर एग्जांपल जैसे एक हमने CV बनाई हुई है IT टेक्नीशियन की और सेकंड हमें जगह एज अ ब्यूटिशियन अप्लाई करना है, तो हम एक CV कैसे करें, अप्लाई कैसे करें? तो जो आपका CV है PDF फॉर्मेट में, आप उसका वर्ड फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करें और उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप थोड़ा सा चेंज कर दें, उसके कीवर्ड्स थोड़े से एडिट करके उसको दोबारा से PDF में कन्वर्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। हर जॉब पे आप अकॉर्डिंगली अपने एक्सपर्टीज़ वगैरह चेंज करके जॉब पे अप्लाई किया करें, अदरवाइज़ वो HR के रेडार में नहीं आएगी। और अगर HR के रेडार में नहीं आती तो वो फिर सेलेक्ट भी नहीं होती CV। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आप लोग इस जॉब पे अप्लाई करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट जॉब जो मैंने अनमतारा होटल वाली बताई थी उस पे अप्लाई नहीं किया, तो वहाँ लाजमी कर दें, वो काफ़ी ज़बरदस्त जॉब्स थी।
कोई भी सवाल हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।